Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार मित्रों स्वयं प्रभा चैनल नंबर 26 में आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं आ, मैं डॉक्टर परीक्षित सिरोही वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक विधि संकाय दिल्ली विश्वविद्यालय आपके समक्ष साइबर क्राइम्स यानी कि साइबर अपराध आ, कोर्स का छठा मॉड्यूल लेकर हम प्रस्तुत हुए हैं आ, इस आ, व्याख्यान में इस लेक्चर में हम क्रिप्टोग्राफी गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के विषय में आ, बात करेंगे ये जो क्रिप्टोग्राफी है जो प्रिवेसी है जो नेशनल सिक्योरिटी है इनके बारे में हम बात करेंगे आ, अगले एक घंटे में हम आपसे जो है आ, आ, ये विषय वस्तु आपके समक्ष लेकर आएंगे इंक्रिप्शन और क्रिप्टोग्राफी ये जो संचार के माध्यम है इंक्रिप्शन क्रिप्टोग्राफी के बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा पिछले मॉड्यूल में की है थोड़े से विस्तार से करेंगे ये जो संचार के माध्यम है ये क्यों आवश्यक हैं इनसे क्या नुकसान है ये हर सिक्के के दो पहलू होते हैं हम दोनों तरफ से इसको एग्जामिन करने का प्रयास करेंगे निजता का जो अधिकार है जो गोपनीयता का अधिकार है वो भारतवर्ष में कैसे आया कैसे वो एक फंडामेंटल राइट right बन गया जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी वाले केस के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे ये जो निजता का अधिकार है ये उन्नीस से लेके आज तक कैसे उसमें एवोल्यूशन हुआ है दो तक जब पुट्टा स्वामी वाला जजमेंट आया है आ, अब ये जो है संविधान के इसके तहत आर्टिकल 19 के तहत आर्टिकल 14 के तहत दिया गया है जो फंडामेंटल राइट्स पार्ट थ्री में उल्लेखित हैं हमारे दर्जा दिया गया है जो इंटरनेट पे आ, क्या कठिनाई हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे और ये जो निजता की तुलनात्मक नेशनल सिक्योरिटी को लेके जो तुलनात्मक स्थिति है ये अमेरिका ब्रिटेन जापान जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हम भी अपने संविधान में उन्नीस एक ए में नाइनटीन वन ए में हमने इसकी बात करते हैं बात होती है आ, सभी जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं बुनियादी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात होती है उस पे पर मित्रों एक बात और समझनी होगी कोई भी फ्रीडम है कोई भी जो स्वतंत्रता है वो बिना किसी एंजॉय नहीं की जा सकती आ, वो जो है है उसके तहत भारत में क्रिप्टोग्राफी पर प्रतिबंध की बात की गई है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में और जो प्रोसीजरल सेफ हैं हमारे यहाँ उनकी हम बात करेंगे कैसे इसको डील किया जाता है क्या कुछ आईपीसी या बीएनएस में भारतीय न्याय संहिता में इसका उल्लेख है ये कुछ आपके समक्ष हम विषय लेकर आएंगे मित्रों मित्रों विगत पंद्रह वर्षों में यानी कि पिछले डेढ़ दशक के दौरान संचार उद्योग में प्रौद्योगिकी ने कई कानूनी और नैतिक मॉरल एंड लीगल इश्यूज को जन्म दिया है का उनका उदय हुआ है और अभी तक हमारे पास कोई इसका सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं है पर कई चीजों का हमारे पास हो सकता है आज जवाब ना हो धीरे धीरे निकल के आता है आप लोग और मैं तो नहीं थे बट किसी ने सोचा होगा कि आदमी किसी दिन चांद तक पहुंचेगा आ, जब कन्फ्यूशियस ने कहा था कि जो है पृथ्वी गोलाकार है तो लोगों ने उनको आ, स्टेक पर जलाने की पनिशमेंट की वकालत की थी आ, क्योंकि उस समय यह माना जाता था कि पृथ्वी ही जो है सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है और सूर्य सहित सब कोई पृथ्वी के ही चक्कर लगाते हैं और पृथ्वी जो है एक स्क्वायर या एक रेक्टेंगल की शेप में है पृथ्वी गोलाकार है और पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है किसी को पता ही नहीं था किसी ने सोचा ही नहीं था तो वैसे भी ये ये कई सारे जो कानूनी नैतिक प्रश्न होते हैं उनके हो सकता है आज जवाब ना हो बट आने वाले वर्षों में समय में जरूर होगा अह मैंने जैसा कहा कोई भी प्रतिबंध के बिना स्वतंत्रता एंजॉय नहीं की जा सकती आपके पास गाना सुनने की स्वतंत्रता है बट क्या आप इस वॉल्यूम पे गाना सुन सकते हैं कि पड़ोसी सो नहीं सकता या पड़ोसी पढ़ाई नहीं कर सकता या पड़ोसी जो है बीमार है तो वो अपनी हेल्थ का लाभ नहीं ले सकता आपके पास सड़क पर गाड़ी चलाने का स्वतंत्रता है बट क्या आप ऐसे चलाएंगे कि आप रेड लाइट को जंप करेंगे क्या आप स्पीड लिमिट से अधिक में गाड़ी चलाएंगे क्या आप अपने लिए और अन्य रोड यूजर्स के लिए खतरा पैदा कर देंगे तो ये ऐसे में फिर आपकी ड्राइविंग प्रिवलेजेस को अंकुश लगाना आपको फाइन लगाना इस तरह की चीज़ें करना बार बार विलंग, विलंगन करने में आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करना इस तरह की कार्रवाई करनी पड़ सकती है तो स्वतंत्रता पे हमेशा थोड़ा सा अंकुश आवश्यक है अगर आ, स्वतंत्रता को वास्तव में इंजॉय करना है मसलन आपको जो है कोई भी कार्य करने के लिए आम, एक, एक समय दिया जाता है आप लोग स्टूडेंट हैं तो आपका जो है न, 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 स्कूल में कॉलेज में एक टाइम टेबल होता है वो टाइम टेबल क्यों होता है आपके पास स्वतंत्रता है पर आप आठ बजे की क्लास में साढ़े आठ तो नहीं आ सकते ना तो वो वो स्वतंत्रता पे एक अंकुश है या तो आप क्लास में मत आइए कोई समस्या नहीं बट अगर आप आ रहे हैं तो आठ बजे की क्लास में हो सकता है आप आठ पाँच तक आ जाएं किसी कारणवश पाँच मिनट लेट हो गए किसी दिन कोई बहुत बड़ी समस्या हो गई तो शायद लेट हो गए बट निरंतर अगर आप साढ़े आठ आएंगे तो ये तो फिर स्वतंत्रता का गलत उपयोग हो गया ना तो प्रतिबंध हो सकता है इसलिए जो है हो सकता है आपके टीचर या आपके स्कूल के अधिकारी या कॉलेज के अधिकारी कह हैं दे, देखिए आपको एंट्री नहीं मिलेगी तो मित्रों संचार यानी कि कम्युनिकेशन मुक्त भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है ये सबसे बेसिक मोस्ट बेसिक बुनियादी स्वतंत्रता है इसीलिए इसको हम नाइनटीन वन ए जो है ये हमारा संविधान का जो 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 हम फंडामेंटल फ्रीडम्स कहते हैं उसमें पहला है सबसे पहले है ए है तो क्योंकि इसी से बाकी चीजें निकलती हैं ये बुनियादी है जो अमेरिका के राष्ट्रपति जी थे उन्होंने उन्नीस में एक बहुत फेमस स्पीच थी उसको हम कहते हैं फॉर फ्रीडम्स स्पीच फ्रैंकलिन डेलानो ये जो उनकी 1941 की जो जो स्पीच थी उसमें सबसे पहले वाली जो फ्रीडम थी चार फ्रीडम उसमें सबसे पहले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन था तो वहीं से हम ये लेके आए और हमारे संविधान में अनुच्छेद 19 में कुल मिला के सात फ्रीडम थी अब राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट right से हटा दिया गया है तो अब बची हैं उसमें सबसे पहले जो है सबसे पहले या में से या में से सबसे पहले वाली जो मोस्ट बुनियादी है वो है ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संचार की स्वतंत्रता इसका जो है जो करोलरी है वो ये है कि जितना संभव हो उतना कम प्रतिबंध होना चाहिए जितना कम आप किसी को जो है प्रतिबंध लगाएंगे उतनी अधिक स्वतंत्रता होगी और इसलिए ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा ये इसकी एक करोलरी है मित्रों अब हम बात करेंगे इंक्रिप्शन और क्रिप्टोग्राफी की इंक्रिप्शन जो है ये उसको कोड में डालने की बात है और इंक्रिप्शन का अध्ययन यानी कि क्रिप्टोग्राफी व्यक्तियों को संचार साधन प्रदान करता है uh, कोई भी तीसरा पक्ष कोई भी थर्ड पार्टी अगर वो इंटरसेप्ट भी कर ले गलत तरीके से तो वो उसको पढ़ नहीं पाएगा संदेश को क्यों कि जब तक नहीं पढ़ पाएगा जब तक कि जो संचारक है जिसने वो चिट्ठी लिखी है या जिसने वो इंफॉर्मेशन भेजी है जो कम्युनिकेटर है वो अनुमति ना दे दे तो uh, जैसे भीष्णु पिता माँ के पास महाभारत में ये वरदान कह लीजिए था कि उनको कोई मार नहीं सकता जब तक वो खुद मरना नहीं चाहे इच्छा मृत्यु

लगा रखा है ये एक ऐसा मोबाइल फोन है या एक ऐसा सिस्टम है जो किसी के हाथ लग भी जाए तो बट उसको वो डेटा नहीं चुरा सकता आपका सूट केस किसी के हाथ लग गया आपने उस पर अगर नंबर लॉक लगाया है तो वो तोड़ देगा सूट केस को काट देगा बट वो उसके अंदर नहीं पहुँच सकता अनब्रेकेबल सूट सूटकेस आज की डेट में आ रहे हैं कि उसके आप ऊपर ट्रक चला दीजिए लेकिन वो टूटेगा नहीं अगर आपने लॉक को जो है नंबर डाला है तो वो नहीं निकलेगा तो और वैसे ही जो है जो कुछ इस तरह के सिस्टम्स आ रहे हैं जो सेफ्स वगैरह आते हैं कि आग लग जाए कुछ हो जाए ट्रक के नीचे डाल दीजिए वो सेफ टूटेगा नहीं तो उसको आपको चाबी से ही खोलना है राष्ट्रीय सुरक्षा का जो नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति हैं वो जो चोरी छुपे गुप्त अभियान करते हैं वो ऐसी तकनीकों का दुरुपयोग कर सकते हैं देखिए आपने तो अपनी निजता के लिए किया बैंकों ने आपकी निजता को प्रोटेक्ट करने के लिए इंक्रिप्शन का उपयोग किया हमने पिछले पाँचवें मॉड्यूल में इसकी बात की थी कि बैंक कैसे क्रिप्टोग्राफी और इंक्रिप्शन करते हैं बट इसका दूसरा पहलू देखिए जो व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति हैं हमने अभी बात की थी कि पिछले मॉड्यूल में पाँचवें लेक्चर में कि किस तरह से जो बैंक uh, uh, और क्रेडिट कार्ड कंपनियां इंक्रिप्शन और क्रिप्टोग्राफी खासतौर पे इंक्रिप्शन का प्रयोग करते हैं संदेशों को सुरक्षित रखने के लिए ग्राहक के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए uh, अब उसका दूसरा पहलू देखिए कि जो व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं वो भी इस तरह के गुप्त कम्युनिकेशन uh, रखते हैं ताकि इसका ये दुरुपयोग हो गया uh, तो हमें जो है राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता uh, दोनों को ध्यान में रखते हुए कुछ इस परिप्टो क्रिप्टो ोग्राफी पे इंक्रिप्शन पे प्रतिबंध लगाने शायद आवश्यक हो जाए हमें क्योंकि गोपनीयता भी मेंटेन करनी है हमें राष्ट्रीय सुरक्षा का भी ध्यान रखना है इसलिए हमें इन पे कुछ प्रतिबंध शायद लगाने पड़ जाए मित्रों ये संचार के तरीके हैं इंक्रिप्शन जो है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचना संप्रेषित करता है भेजता है एक गुप्त कोड के तहत एक सिफर का उपयोग करता है सिफर का उपयोग करता है ये केवल संचार वाला व्यक्ति जो है जो कम्युनिकेटर है जो संचारक है जो वही इसको जो है जानता है मैंने आपको बताया कि एक लिफाफा समझ लीजिए जिस पे कोड लॉक लगा हुआ है उसके अंदर आपकी चिट्ठी लगी हुई है सूटकेस समझ लीजिए जिसके अंदर आपका सामान है क्रिप्टोग्राफी जो है इनका अध्ययन है इट इज़ मोर ऑफ अ थियोरेटिकल साइंस एंड इंक्रिप्शन जो है ये एक जो प्रणाली है ये तरीका है तो ये इस तरीके का अध्ययन ये थ्योरेटिकल साइंस है और इसमें नए नए इन्वेंशन होते रहते हैं इंक्रिप्शन जो है वास्तविक प्रक्रिया है क्रिप्टोग्राफी अध्ययन है तो इसमें अब अब ये मान सकते हैं कि ये जो क्रिप्टोग्राफी जो है वो एंक्रिप्शन से ज़्यादा व्यापक यानी कि लार्जर इन स्कोप है इसका स्कोप जो है ये ज़्यादा बड़ा है आ, मसलन जो आपका क्रिप्टोग्राफी है मित्रों ये जो संचार के तरीके हैं ये आ, आ, इंटरनेट जो है आ, उसका उद्गम जो हो रहा है जो उसका प्रभाव है इंटरनेट का वो लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि इंटरनेट जो है आ, संचार के नए नए तरीके ला रहा है इंटरनेट के माध्यम से लोग कम्युनिकेशन और अच्छे और सुदृढ़ तरीके से कर रहे हैं वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल आ गया है आप गूगल मीट के जरिए आप गूगल हैंग के ज़रिए आप व्हाट्सएप के ज़रिए आप फेसबुक मैसेंजर के ज़रिए और न जाने कितने ऐसे और टूल्स हैं जो आपको वॉइस कॉलिंग या वीडियो कॉलिंग की अनुमति देते हैं आप टेलीफोन से नहीं कर रहे हैं आप वॉइप यानी कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल से कर रहे हैं आ, ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि जो प्रेषित संदेश है इनका इंटरसेप्ट या गलत उपयोग कोई व्यक्ति ना कर सके हमेशा गोपनीयता बनाए रखनी होती है इसलिए इंक्रिप्शन अच्छी चीज़ है आ, गोपनियता या प्रिवेसी व्यक्तियों के लिए आवश्यक है कंपनियों के लिए आवश्यक है और देशों के लिए भी आवश्यक है कंट्रीज के लिए भी आवश्यक है क्रिप्टोग्राफी का जो मेन पर्पस है जो प्राथमिक उद्देश्य है वो ये है कि तीसरा पक्ष यानी कि थर्ड पार्टी उसको इंटरसेप्ट करके मिसयूज ना कर ले आपके संदेशों को तो हस्तक्षेप से सुरक्षित रखना इसका होल पर्पस है आप मान लीजिए कि आ, कुछ ऐसी जानकारी है जो आप आप, आप आपने कुछ नया प्रोडक्ट बनाया और आप नहीं चाहते कि आप ये आप, आपके नए प्रोडक्ट की जानकारी दूसरे लोगों तक पहुंच जाए आपने कुछ आप इन्वेंटर हैं आपने कुछ नया बनाया आप उस पर पे पे पेटेंट फाइल करना चाह रहे हैं कल आ, या आप एक कोई देश है आप मान लीजिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का विकास कर रहे हैं तो आप नहीं चाहते कि दूसरों को इस बात का पता चल जाए नहीं तो वह आप पे दबाव डालेंगे आपको वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बंद करनी पड़ेगी मित्रों निजता का अधिकार राइट टू प्राइवेसी की हम बात करते हैं अम्म अधिकांश लोग जो उदार लोकतंत्रों में रहते हैं आ, उदार लोकतंत्रों की अगर मैं बात कर लूँ तो वो चाइना नॉर्थ कोरिया इत्यादि देशों को छोड़ दें तो अधिकांश आ, जो मुल्क हैं अधिकांश जो देश हैं वो आ, यही चाहते हैं कि उदारवादी लोकतंत्र हो पाश्चात्य देश हैं अमेरिका है ब्रिटेन है भारतवर्ष है भारतवर्ष को विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहा जाता है और दूसरी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी अमेरिका को कहा जाता है आ, लोकतंत्र में डेमोक्रेसी में प्राइवेसी का बहुत बड़ा स्थान है ये जो वर्ष है इसमें अभूतपूर्व एक संयोग है कि विश्व की साठ परसेंट से ज्यादा आबादी जो है इस वर्ष अपने डेमोक्रेटिक यानी कि वोटिंग राइट्स का वो प्रयोग करने वाली है भारतवर्ष में आम चुनाव है अमेरिका में आम चुनाव है बांग्लादेश में आम चुनाव है बहुत सारे देशों में एक संयोग बना है कि इसी वर्ष जो है चुनाव होने हैं पाकिस्तान में आम चुनाव है पाकिस्तान भारतवर्ष और बांग्लादेश ये और अमेरिका ये चारों ही विश्व के टॉप दस देशों में है जनसंख्या के हिसाब से देखें तो इन सभी लोकतांत्रिक देशों में आम सहमति का विषय है कि निजी और सार्वजनिक जीवन को अलग अलग रखा जाए आ, मैं आपके समक्ष साइबर लॉ पढ़ाने आया हूं, आपको उससे मतलब होना चाहिए मैंने विवाह किया कि नहीं मैं किस धर्म से आता हूं, मैं किस प्रजाति से आता हूं, मैं नॉन वेजिटेरियन हूं कि वेजिटेरियन हूं इससे आपको कोई मतलब नहीं ये सब मेरी निजी ज़िंदगी है आपको मेरी जो सार्वजनिक जीवन है उससे मतलब होना चाहिए मैं आपके समक्ष जो कंटेंट लेकर आया उससे मतलब होना चाहिए ये मतलब ये फंडामेंटल मतलब है ये कंपार्टमेंटलाइजेशन जो मैंने बताया ये बहुत आवश्यक है इसका सम्मान किया जाना चाहिए इसका मान किया जाना चाहिए मित्रों कभी कभी ये जो कंपार्टमेंटलाइजेशन है ये जो रेखा जो मैंने आपको बताई ये धुंधली पड़ने लगती है आ, व्यक्ति का जो पर्सनल और प्रोफेशनल है वो आ, वो पर्सनल के बिना प्रोफेशनल नहीं चलता और प्रोफेशनल के बिना पर्सनल नहीं चलता सो so, मित्रों कभी कभी क्या होता है ये जो रेखा है ये धुंधली पड़ने लगती है आ, इस मसलन जो व्यक्ति की जो निजी जीवन है उसका प्रभाव उसके सार्वजनिक जीवन पे पड़ने लगता है और सार्वजनिक जीवन का प्रभाव निजी जीवन पे पड़ने लगता है मसलन जब कोविड का समय था तो हम सभी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे तो हम हमारा घर ही ऑफिस था और ऑफिस ही घर था किसके घर में क्या खाना बन रहा है और आ, 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 किसकी पत्नी कितनी ज़ोर से डांटती हैं ये सभी सभी को पता चल जाता था आ, पर मित्रों और ज्यादा सीरियस इशू जो है ये जो कंपार्टमेंटलाइजेशन है इसको कभी-कभी हमें असम्मान करना पड़ता है मसलन, आ, अगर कोई व्यक्ति नशीले पदार्थों का आ, आ, जो है बिजनेस कर रहा है कोई पोर्नोग्राफी का बिजनेस कर रहा है कोई आतंकवाद जैसी गतिविधियों में सम्मिलित है तो हमें जो है उसकी निजता को दरकिनार करते हुए स्टेप इन करने की आवश्यकता पड़ सकती है आ, आ, ये एक आम धारणा है कि निजता जो है ये केवल गोपनीयता जो है ये एक एलिटिस्ट वेस्टर्न कंसेप्ट है ऐसा नहीं है ये जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने जजमेंट में पुट्टा स्वामी वाले केस में स्पष्ट कहा कि ये एक बेसिक ह्यूमन राइट है और निजता केवल ह्यूमन राइट्स में ही नहीं ये और इससे काफ़ी बड़ा एक इसका स्कोप है और ये जो है इसके निजता के बिना जो है व्यक्ति के बाकी राइट्स भी प्रभावित होते हैं आ, आपकी जो गोपनीय जानकारी है वो आप तक ही रहनी चाहिए आप किसी को क्यों बताना चाहते हैं और कोई क्यों जानना चाहता है आपका कोई धर्म आपकी कोई जात आपका जो मैरिटल स्टेटस है तो वो अच्छा कई सारी चीज़ें जो है कल्चर पर भी डिपेंड करती हैं आ, हम जिस कल्चर में हैं हम लोग आराम से जो किसी अनजान व्यक्ति से राजनीति के विषय में चर्चा करने लगते हैं अभी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं रोज़ व्यक्ति जाएंगे सुबह सुबह चाय की दुकान पे और ये सब चर्चे से दिन शुरू होता है न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और चर्चा शुरू कर देंगे कि अमुक पार्टी का यहाँ क्या हो रहा है अरे यहाँ पर ये मजबूत हैं और इस तरह की चर्चाएँ होनी शुरू हो जाती हैं पर बहुत सारे देशों में राजनीति पर चर्चा करना बैन है मसलन सऊदी अरेबिया ईरान इत्यादि पाश्चात्य देशों में इसको अच्छा नहीं जा, माना जाता बैन तो नहीं है बट अच्छा नहीं माना जाता आ, हमारे यहाँ हम लोग तुरंत जो है पूछने लगते हैं अच्छा शादी हो गई क्यों नहीं हुई अच्छा बच्चा क्यों नहीं हुआ अच्छा बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं अच्छा आप घर में अंग्रेज़ी में बोलते हैं कि हिंदी में देखिए आप मीट क्यों खाते हैं ये सारी जो है ये हम इसमें कुछ गलत नहीं समझते भारतवर्ष में पाश्चात्य देशों को में इसको ठीक नहीं समझते पाश्चात्य देशों में वो लोग सेक्स की बात बहुत ओपनली करते हैं हमारे यहाँ उसको हम ओपनली नहीं करते तो ये कुछ कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं तो प्रिवेसी जो है वो आ, जो आपके देश में जो प्रिवेसी का मीनिंग है वो शायद दूसरों से थोड़ा सा अलग हो बट उसका फंडामेंटल कंसेप्ट जो है सारे विश्व में अधिकांश रूप से एक ही होता है आ, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि गोपनीयता की आवश्यकता तभी पड़ती है जब लेन देन की जानकारी दूसरे व्यक्ति तक पहुंच चुकी है तब हमें सुरक्षित रखने की आवश्यकता देखिए अगर आपने किसी को अपनी जानकारी दी ही नहीं तो गोपनीयता की आवश्यकता ही नहीं है बट अगर आपने अपना आधार नंबर किसी को दे दिया अगर आपने ये बता दिया कि हमारा धर्म क्या है अगर आपने ये बता दिया कि हमारा विवाह हुआ है कि नहीं और आप चाहते हैं ये हमें ये बीमारी है वो बीमारी है और फिर आपको लगता है कि ये व्यक्ति इसको गोपनीय रखेगा या नहीं एक बहुत प्रसिद्ध वाद था मिस्टर एक्स वर्सेज हॉस्पिटल जेड इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय कहता है कि किसी व्यक्ति को क्या बीमारी है वो आप संप्रेषित नहीं करेंगे बाहर नहीं बताएंगे तो ये किसी भी एड्स पेशेंट की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता किसी भी रेप विक्टिम की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता ये उसकी प्रिवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए इसलिए ये केस में नाम जो है वादी और प्रतिवादी का बदल दिया गया हॉस्पिटल का भी नाम बदल दिया नहीं तो लोग पता लगा लेंगे और ये जो है वादी का भी नाम बदल दिया गया निजता का अधिकार किसी भी व्यक्ति से संबंधित जानकारी के संग्रहण यानी कि कलेक्शन प्रतिधारण यानी कि रिटेंशन उपयोग यानी कि यूज़ और प्रकटीकरण यानी कि डिस्क्लोजर को आ, ये पूरा जो है ये संगम ये पूरा जो प्रोसेस है ये एंटायर गैमट तक फैला हुआ है आ, व्यक्ति की अपनी पहचान को सुरक्षित रखने की मूल इच्छा से ये उत्पन्न होता है और इसे आप कभी भी अस्वीकार नहीं कर सकते मित्रों मित्रों नि, निजता की जो अवधारणा है ये जो कंसेप्ट ऑफ प्रेवेसी है ये किसी व्यक्तिगत जानकारी को नियंत्रित करने के अधिकार इसमें शामिल हैं और ये भी निर्धारित करने की इसमें क्षमता है कि जानकारी कैसे प्राप्त की जाए कैसे उस जानकारी का उपयोग किया जाए इसलिए इसको हम कहते हैं सूचनात्मक आत्मनिर्णय का अधिकार यानी कि इंफॉर्मेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन देखिए कितनी बड़ी बात है आत्मनिर्णय का अधिकार राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ये फ्रेज सबसे पहले जर्मनी में आया था और अब इस कंसेप्ट को सारे विश्व में रिकोगनाइज किया जाने लगा है व्यक्तिगत लेन देन जो ट्रांजेक्शन हैं, उनका विवरण का इंक्रिप्शन हमें डेफिनेटली अधिक निजता अधिक गोपनीयता का एहसास दिलाता है बट इसका दूसरा पहलू यह है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी चुनौतियां प्रस्तुत करता है चैलेंजेस प्रस्तुत करता है मसलन अगर इंक्रिप्शन का प्रयोग करके कोई व्यक्ति व्हाट्सएप कॉल पे या गूगल कॉल पे या व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से अपने आकाओं से बात कर रहा है कि बॉम्ब कहाँ और कब लगाना है या सैटेलाइट फ़ोन पर बात कर रहा है इंक्रिप्टेड टेक्नोलॉजी से सो so ये हमारे लिए डेफिनेटली खतरा है और हम इसको इंक्रिप्शन को डिक्रिप्शन करने का प्रयास करते हैं हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं हमारी रॉ आई इस तरह जो एजेंसीज़ हैं, उनको आ, कानून के तहत शक्तियां प्रदत्त हैं कि वो आगे जाके हम देखेंगे सूचना प्रौद्योगिकी कानून भारतीय न्याय सहिता आईपीसी सभी में इस तरह की शक्तियां प्रदत्त ग्रांट की गई हैं कि वो जो है इस तरह के करें मित्रों निजता के अधिकार का हम थोड़ा सा विकास की बात करेंगे पुट्टा स्वामी तो आपको पता है बट पुट्टा स्वामी के पहले की थोड़ी सी कहानी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध वाद था मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 का ये वाद है आपने जरूर इसमें पढ़ा होगा इसमें जो है माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है आर्टिकल चौदह जो रीज़नेबलनेस की बात करता है राइट टू इक्वालिटी की बात करता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ इस राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी अनलेस इट इज डन बाय प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ ऐसा आर्टिकल 21 कहता है बट आर्टिकल 14 इक्वालिटी अमंगस्ट इक्वल्स की बात करता है और आर्टिकल 19 ये जो फंडामेंटल फ्रीडम्स है उसमें से एक राइट टू ट्रैवल भी है घूमने का स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार है जो उल्लेखित है जो नाइनटीन वन ए के तहत इसको लिया गया है नाइनटीन वन डी के तहत इसको लिया गया है तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर 21 का टेस्ट सेटिस्फाई करना है तो 14 और 19 का टेस्ट भी सैटिस्फाई करना है 19 का टेस्ट सेटिसफाई करना है तो 14 और 21 का भी टेस्ट सेटिस्फाई करना है सो so, ये जो है एक तीन अलग अलग छोर है और तीन अलग अलग छोर तक पहुंचने के लिए जो तरीका है आपने अपनी गणित की कक्षा से आपको याद होगा वो एक ट्रायंगल या त्रिभुज है सो so, ये त्रिभुज के तीन छोर हैं चौदह उन्नीस और इक्कीस ये तीन पॉइंट्स हैं। सो so, तीनों टेस्ट आ, हमें आ, आ, पास करने आ, आ, आवश्यक या एसेंशियल है आ, इस केस में जो पॉइंट था वो ये था कि ये जो प्रतिवादी थी मेनका गांधी जी इनों इनको जो है पासपोर्ट नहीं दिया जा रहा था और पासपोर्ट अधिकारी ने पासपोर्ट ना देने का कारण भी बताने से इंकार कर दिया पा उन्होंने पासपोर्ट एक्ट की धारा दस तीन सी का उल्लेख करते हुए कहा कि हमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमने पासपोर्ट क्यों नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को ही रद्द कर दिया और बोला ये व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट है उसको आप बताइए बिकॉज ऐसा ना बताना प्रिवेसी के अगेंस्ट है उस समय राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट नहीं था बट उन्होंने 14 1921 और के टेस्ट को यहाँ पे प्रतिरूपित किया इसका प्रत्यार्पण किया मित्रों एक बहुत प्रसिद्ध वाद था एम पी शर्मा बनाम सतीश चंद्र आ, ये सतीश चंद्र जी दिल्ली के एडीएम थे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे आ, इन्होंने जो है प्रतिवादी जो थे आ, वादी जो थे सॉरी एम पी शर्मा जी इनके जो इनके कुछ निजी कागज़ जब्त कर लिए वो एक फ्रॉड का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और उस सिलसिले में इनके निजी कागज़ जब्त कर लिए एम पी शर्मा कोर्ट गए और उन्होंने वहाँ से आदेश प्राप्त किया कि ऐसा करना उनकी निजता को हनन पहुँचाता है मित्रों फिर एक वाद आया खड़ग सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ये उन्नीस का वाद है ये सब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय है माननीय सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय ने इस वाद में कहा कि आ, निजता के अधिकार तो है बट निजता के अधिकार में जो पुलिस आपके घर जाके पूछताछ करती है या आपको लेके जाती है थाने वो नहीं आता वो जो है वो कर सकते हैं बट बहुत सारी जो चीजें पुलिस करती है यूपी पुलिस के रेगुलेशंस में एक पर्टिकुलर रेगुलेशन को उन्होंने खारिज कर दिया डोमिसरी विजिट्स की मैं बात कर रहा हूँ फिर एक वाद आया गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1975 मित्रों ये एक पहला ऐसा वाद था जिसमें राइट टू प्रिवेसी को स्पष्ट रूप से रिकॉग्नाइज किया गया ये जो वाद था और ये ऐसे समय पर आया जब देश में इमरजेंसी चल रही थी सो गोविंद वाले केस में जो है आ, सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार माना कि राइट टू प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज़ होती है हालांकि इसको फंडामेंटल राइट नहीं माना मित्रों फिर एक बहुत ही फेमस केस आया uh, तमिलनाडु से uh, आर राजगोपाल बनाम तमिलनाडु और इसके uh, अपील में uh, माननीय uh, उच्चतम न्यायालय में तमिलनाडु सरकार भी पहुंच गई uh, यहाँ पे एक uh, जो, जो 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 वादी थे uh, वो uh, आर राजगोपाल थे वो आज भी एक uh, तमिल मैगजीन निकालते हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं तमिल मैगजीन निकालते हैं जिसका नाम है नक्कीरन इन्होंने जो है जो सैंडलवुड स्मगलर जो वीरप्पन थे उनका भी इंटरव्यू ले लिया था और वीरप्पन को तीन राज्यों की तमिलनाडु कर्नाटक केरला की पुलिस ढूंढती रहती थी वो कई सालों तक मिले नहीं बहुत ही कुख्यात सैंडलवुड स्मगलर थे आ, और ये इनके इंटरव्यू ले आ, करते थे जंगल में जाके आ, एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दो साल तक पूरे मद्रास में उस समय मद्रास था आज चेन्नई है वो पूरे मद्रास शहर में आतंक फैला रखा था ये सीरियल मर्डरर थे दो साल तक पुलिस ने इनको पकड़ा नहीं और इनका नाम था ऑटो शंकर क्योंकि ये ऑटो चलाया करते थे ऑटो शंकर के नाम से जाने जाते थे ये मैं अस्सी के दशक की बात कर रहा हूँ और अस्सी और नब्बे के दशक में इनका काफी आतंक था आ, इन पर छह मर्डर सिद्ध हुए और इनका नाम करीब 200 मर्डर में आया है तो इन्होंने सीरियल किलर थे ये तो इनको छः मर्डर की सज़ा ये काट रहे थे जेल में थे और इनसे इंटरव्यू कर करके इनकी जो आत्मकथा आर राजगोपाल जी छापना चाहते थे आ, इस, इस ये जो ऑटो शंकर थे इन्होंने जो है अपने आ, जो भी इंटरव्यूज़ में बहुत सारे सनसनी केज खुलासे किए जाहिर सी बात है अगर इतनी अक्षम तो पुलिस नहीं हो सकती कि इस तरह के व्यक्ति को दो साल तक पकड़ ही ना पाए तो ज़रूर कुछ और बात रही होगी तो इन्होंने जो है जो ऑटो शंकर थे इन्होंने अपने आ, बयानों में खुलासा किया कि उनके तो बड़े बड़े अधिकारियों से पुलिस के आ, नौकरशाही के राजनेताओं के मंत्रियों से संबंध रहे और इन्होंने इनको प्रूफ दिखाए संबंधों के कि ये इनके बड़े बड़े अधिकारियों के लड़कियों की और लड़कों की शादियों में जाया करते थे इनको न्योता होता था अरेंजमेंट्स करते थे तो इस तरह की चीज़ें इन्होंने दिखाई और इन्होंने वो किताब बना के तैयार कर ली इमीजिएटली जो है तमिलनाडु की सरकार जो है पहुँची कोर्ट पहले हाई कोर्ट कि ये इनको कैसे करने दे सकते हैं ये तो जो है प्रिजन रूल्स का वायलेशन है और इस तरह की बात वो ऑब्वियसली सामने नहीं आने देना चाहते थे आम लोगों के समक्ष तो राजगोपाल जी इसके खिलाफ पहले मद्रास हाई कोर्ट में लड़े फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़े।, सुप्रीम कोर्ट में लड़े सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं अगर ये राज्य सरकार का मत ऐसा है प्रिजन रेगुलेशन हैं तो आप जो है ये किताब मत छापी अच्छा ये जो ऑटो शंकर थे इनको भी राज्य सरकार ने प्रताड़ित किया और ऑटो शंकर ने पहले कहा था कि मैंने स्वेच्छा से ये सब इंटरव्यू दिए फिर बाद में बोला कि नहीं मैं नहीं देना चाहता सो so, पलट गए अपने बयान से तो इसलिए ये भी एक झटका था प्राइवेसी के लिए जो जो निजता के अधिकार के लिए भारतवर्ष में एक झटका था कि जो है इस इस केस में जो है निजता के अधिकार को अस्वीकार कर दिया गया सो so, मित्रों आप देखेंगे कि ये जो जर्नी है ये आसान नहीं रही है उन्नीस uh, सौ uh, में इसको कुछ हद तक माना गया उन्नीस में कुछ हद तक माना गया 1975 में बहुत हद तक इसको अधिकार माना गया लीगल राइट right माना गया 1975 में सॉरी उन्नीस सौ में नहीं माना गया 1978 में कुछ हद तक माना गया तो ये जो राइट टू प्राइवेसी का जो uh, इतिहास है ये चेकर्ड इतिहास रहा है भारतवर्ष में निजता जो है हमारे संविधान का मौलिक अधिकार कैसे बना ये एक केस था आपने इसके बारे में अवश्य सुना होगा एक इक्यानवे साल के वादी थे आज वो अंठानवे साल के हो चुके हैं सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति के एस पुट्टा स्वामी जी कर्नाटक हाईकोर्ट के रिटायर्ड हाईकोर्ट जज थे इन्होंने जो है कहा कि देखिए आप ये आधार का डेटाबेस बना रहे हैं हर चीज़ के लिए आप आधार को मैंडेटरी कर रहे हैं स्कॉलरशिप पेंशन और मोबाइल फोन लेने के लिए अनिवार्य जानकारी कर रहे हैं आधार का आ, आ, और जो है जिसके पास आधार नहीं उसको आप राशन भी नहीं दे रहे हैं क्या ये ठीक कर रहे हैं आप इस तरह से आप क्या मेरी निजता को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं और ये डेटा लीक हो गया तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा सरकार ने इसका पुरजोर विरोध किया बोला कि देखिए ये हमारे यहाँ कोई ऐसा अवधारणा है ही नहीं कि प्रिवेसी या निजता या गोपनीयता की आ, और फिर जो है संविधान के 21 उन्नीस एक ए और उन्नीस एक डी के तहत इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के नौ जजों की खंडपीठ ने इसको जो है uh, स्वच्छ रूप से इसको यूनानिमसली एक फंडामेंटल राइट right कहा इनफैक्ट न्यायमूर्ति संजय किशन कॉल के जजमेंट को अगर आप पढ़ें तो ये तो और आगे ले गया है जजमेंट ये कहता है कि प्रिवेसी ही नहीं पर्सनालिटी राइट्स भी फंडामेंटल राइट्स है पर्सनालिटी राइट्स मतलब मैं जिस तरह से किसी शब्द का उच्चारण करता हूँ मैं जो भी मेरी पर्सनैलिटी है उसकी आप नकल नहीं करेंगे मसला अगर अमिताभ बच्चन जी एक पर्टिकुलर तरीके से नमस्कार बोलते हैं या अनिल कपूर जी एक पर्टिकुलर तरीके से झकास बोलते हैं ये झकास या नमस्कार एक आम भाषा का ही शब्द है इस पर कोई किसी को कॉपीराइट नहीं दिया जा सकता बट इनकी पर्सनालिटी है अनिल कपूर जी हाथ खोल के लंबा करके हिंदी और मराठी के एक कॉमन वर्ड झकास को जिस तरह से बोलते हैं उसको पर्सनालिटी राइट्स में डाला गया श्रीदेवी एक बहुत प्रसिद्ध फिल्म स्टार उनके मरणोपरांत उनके नाम पर एक मूवी बनाई जा रही थी उसको भी प्रतिबंध किया गया कि उनके पर्सनालिटी राइट्स हैं ऐसा ही शिवाजी गणेशन यानी कि रजनीकांत के केस में हुआ है तो पर्सनालिटी राइट्स का भी काफ़ी विकास हो गया है पिछले सात आठ सालों में कई हाईकोर्ट्स के निर्णय आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आना बाकी है पिछले कुछ वर्षों में मित्रों आ, ये जो भारतवर्ष में इम्प्लाइड फंडामेंटल राइट्स जो मौलिक अधिकार लिखे तो नहीं हैं बट वो जो पार्ट फोर यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की श्रेणी में थे ओरिजिनली जब संविधान बना था आ, वो अब धीरे धीरे पार्ट थ्री में पहुंच रहे हैं और वो मौलिक अधिकारों की श्रेणी में चले गए हैं मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए हैं राइट टू हेल्थ राइट टू फूड राइट टू लाइफ राइट टू पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट राइट टू इन्फॉर्मेशन या तो ये सरकार ने खुद इसको लॉ बना के फंडामेंटल राइट right का दर्जा दे दिया है या न्यायपालिका के इसमें जो है वाद में निर्णय है देखिए जैसे राइट टू हेल्थ स्वास्थ्य का अधिकार मौलिक अधिकार में आया है पंडित परमानंद कटारा बनाम भारत संघ के केस से भोजन का अधिकार पी यू सी एल के केस से आया है ये विश्व की सबसे लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग मैंडे है से सत्रह साल एक सौ साठ इंटेरियम ऑर्डर सब कुछ मॉनिटर किया और उसका फलस्वरूप एन एफ एस फूड सिक्योरिटी एक्ट आया दो हज़ार तेरह में आजीविका का अधिकार ओल्गा टेलिस के बाद में निकला राइट टू लाइफ के अंतर्गत आर्टिकल इक्कीस में इसको निकाला गया और राइट टू लाइवलीहुड एक मौलिक अधिकार बन गया पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट इतने सारे एम सी मेहता केसेस में क्रैकर फ्री इन्वायरमेंट दिवाली पे क्रैकर बैन ये सब जो राइट टू इन्फॉर्मेशन मैन कोल्मन कोलमन केस से निकला uh, और फाइनली ये कानून बन गया 2005 में uh, आई यानी कि इंटरनेशनल कॉमेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में भारत एक हस्ताक्षर करता देश है इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 17 में निजता के अधिकार का प्रावधान है हम क्योंकि इसके सिग्नेटरी हैं हस्ताक्षर करता हैं ये हम पर भी लागू होता है ओई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इसके जो सदस्य देश हैं जो एडवांस कंट्रीज़ हैं विश्व की इन्होंने प्रिवेसी के आठ सिद्धांत बनाए हैं आगे वाले लेक्चर में उनकी चर्चा करने वाले हैं यह भारत में भी हमने अंगीकृत किया है हमारी पार्लियामेंट ने इसको रेटिफाई किया है आ, बहुत महत्वपूर्ण यह है कि अगस्त 2023 में भारतवर्ष ने डीपीडीपी लॉ डीपीडीपी एक्ट डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम पारित किया है जिसके तहत आपका पर्सनल डेटा आपको किसी को देने की आवश्यकता नहीं है और अगर दिया है आपने तो उस व्यक्ति उस कंपनी को उसको सुरक्षित रखने की देनदारी उस पर आ जाती है जवाबदेही आ जाती है यदि वो ऐसा नहीं करता तो उस पर फाइन और पनिशमेंट का प्रावधान है मित्रों हम थोड़ी सी तुलनात्मक स्थिति करते हैं कि विश्व में जो बाकी देश हैं हमने तीन देशों की बात की अगर अगर समय होगा तो हम और जर्मनी वगैरह की भी बात कर सकते हैं जो अमेरिका ब्रिटेन और जापान में अगर हम देखें तो प्रिवेसी यानी कि गोपनीयता की स्थिति सबसे अच्छी यूरोपीय देशों में है यहाँ तक कि अमेरिका में भी इतना ज़्यादा प्रिवेसी प्रोटेक्शन को लेके अवेयरनेस नहीं है और जो बाकी की देश हैं एशिया अफ्रीका के उनमें अधिकांश रूप से प्रेवेसी को लेकर कोई चर्चा ही नहीं है आ, अमेरिका में हर चीज़ के लिए व्यक्ति अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर सोशल सिक्योरिटी नंबर के ही पे भारत में आधार का कंसेप्ट है सोशल सिक्योरिटी नंबर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर इत्यादि प्रदर्शित करता है आपको पिज्ज़ा भी लेना है तो भी आप सोशल सिक्योरिटी नंबर बताते हैं तो यूरोप में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तो गोपनीयता के मुद्दे से निपटने के लिए आ, फेडरल ट्रेड कमीशन को कहा गया कि आप इस पर एक रिपोर्ट बनाइए और उन्होंने अंठानवे में एक रिपोर्ट यू कांग्रेस को सौंपी यू कांग्रेस मत यूएस पार्लियामेंट उनके कांग्रेस के दो खंड हैं जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा है उनके यहाँ है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट तो ये जो है कांग्रेस को रिपोर्ट सौंपी और कुछ ही महीनों में कांग्रेस ने कानून पारित कर दिया ऑनलाइन प्रिवेसी प्रोटेक्शन एक्ट ये एक अधिनियम बना दिया ऑनलाइन निजता की सुरक्षा के लिए ऑनलाइन प्रिवेसी की सुरक्षा के लिए जो एफ की रिकमेंडेशन थी वो ये था कि ये सभी अमेरिकियों पर लागू किया जाए बट जो है ये केवल इन्होंने बच्चों पे ही लागू किया और ये कहा कि बच्चों को निजता जो है केवल तभी भंग की जा सकती है उसमें केवल तभी इंट्रूजन किया जा सकता है जब माता पिता की सहमति हो और बच्चों द्वारा डिस्क्लोज्ड इन्फॉर्मेशन को माता पिता चाहें तो वापस ले सकते हैं कि वो डिस्क्लोज नहीं मानी जाएगी मित्रों जैसा मैंने कहा कांग्रेस की जो रिकमेंडेशन की थी फेडरल ट्रेड कमीशन ने आ, जो 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 आ, वो ये था कि सभी सभी एडल्ट्स पे भी ये एक्सटेंड किया जाना चाहिए लेकिन इसको स्व नियमन यानी कि सेल्फ रेगुलेशन पर ही छोड़ दिया गया है आज की स्थिति में एडल्ट्स की प्राइवेसी को लेके अमेरिका में कोई भी कानून नहीं है आ, लेकिन जो आ, जो बिजनेस बॉडीज़ हैं जैसे हमारे देश में फिक्की एसोचैम वगैरह हैं वैसे ही वहाँ पर अमेरिका में है बेटर बिजनेस ब्यूरो इन्होंने जो है आ, आ, निजी निकाय है ये और इन्होंने उपभोक्ता विश्वास को बढ़ाने के लिए आ, आ, ट्रस्टेड यानी कि अनुशंसित रेकमेंडेड ई कॉमर्स वेबसाइट्स की सूची बनाई समय समय पर इसमें घटाते बढ़ाते रहते हैं ताकि लोगों को जनता को ये विश्वास हो कि उनकी प्रिवेसी की सुरक्षा की जा रही है मित्रों अगर हम यूके की बात करें तो इनके यहाँ पे कानून काफ़ी स्ट्रिक्ट है डेटा संरक्षण अधिनियम यानी कि डेटा प्रोटेक्शन एक्ट अंठानवे में ही पारित हो गया था जापान में उन्नीस में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आ, और उद्योग मंत्रालय यानी कि फॉरेन ट्रेड एंड आ, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है इन्होंने जो है निजी क्षेत्र में कंप्यूटर संसाधित व्यक्तिगत जानकारी जो भी कंप्यूटर पर स्टोर की जाने वाली व्यक्तिगत जानकारी है उसकी सुरक्षा में कई निर्देश बनाए कई डायरेक्शंस दिए और सबसे पहले जापान ने एक जो जो एशिया में अमेरिका में ये कंसेप्ट पहले शुरू हो गया था बट एशिया में सबसे पहले एक प्रिवेसी गोपनीयता सील आ, का कार्यक्रम बनाया जो एक सर्टिफिकेट की तरह था आ, कि लोगों को पता चल जाए कि ये वेबसाइट प्राइवेसी की रक्षा करती है आ, जैसे आईएसओ 9001 एक सर्टिफिकेट है वैसी प्रिवेसी सील आ, दी जाने लगी आ, इस आ, आ, संस्थान द्वारा जे जापान इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग डेटा सेंटर द्वारा कि जो भी वेबसाइट है सरकारी या प्राइवेट वो जो धारक हैं यूज़र हैं आ, उनकी जो है गोपनीयता को आ, आ, बचा के रखता है ये ऐसा इन्होंने विकसित किया और यूरोप में ये पहले सॉरी एशिया में ये पहले ऐसा देश था जहां पे ये विकसित किया गया मित्रों भारत में जो है क्रिप्टोग्राफी पे प्रतिबंध धारा उनहत्तर सिक्सटी ये केंद्र सरकार राज्य सरकारों के सक्षम अधिकारियों को ये शक्ति प्रदत्त करती है आ, कि अगर केंद्र या राज्य सरकार का कोई सक्षम अधिकारी संतुष्ट है कि ऐसा करना आवश्यक है एक्सपीडियट है समुचीन है तो उस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं क्रिप्टोग्राफी पे इंक्रिप्शन पे आ, इन पे किस आधार पे कर सकते हैं ये नहीं कि मनमर्जी से किस आधार पर ये वही आधार हैं जो हमारे संविधान के अनुच्छेद उन्नीस दो में है और क्या है भारत की संप्रभुता या अखंडता भारत की रक्षा भारत की इंटेग्रिटी की रक्षा भारत की राज्यों की सुरक्षा विदेशी राज्यों से हमारे संबंध खराब ना हो सार्वजनिक व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो जो 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 ये इन इन सब रीजन या कुछ दंगे ना भड़क जाए जो है इन सब कारणों से आप जो है इंक्रिप्शन या क्रिप्टोग्राफी पे प्रतिबंध लगा सकते हैं मित्रों इसके अतिरिक्त Uh, किसी भी सरकारी एजेंसी को किसी भी कंप्यूटर से उत्पन्न मतलब जेनरेटेड, प्रेषित मतलब सेंट प्राप्त मतलब रिसीव्ड, या संग्रहित मतलब कलेक्टेड या स्टोर्ड uh, किसी भी इंफॉर्मेशन या किसी भी सूचना को इंटरसेप्ट करने मॉनिटर करने डिक्रिप्ट करने का अधिकार है और इसको करवा सकते हैं या कर सकते हैं और ऐसा करना इनके साथ सरकारी एजेंसीज़ के साथ कोऑपरेट करना किसी भी कंप्यूटर उपयोगकर्ता किसी भी सब्सक्राइबर किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के आ, जो ओनर हैं उनका दायित्व तो है और ऐसा ना करने पे सात साल तक की सज़ा का प्रावधान है मित्रों और फाइन का भी प्रावधान है तो सब्सक्राइबर या इंटरमीडियरी या कंप्यूटर के प्रभारी किसी भी व्यक्ति को ऐसी जानकारी के लिए तुरंत कोऑपरेट करना है अगर आपके पास नोटिस आता है अधिकारी आते हैं तकनीकी सहायता प्रदान करिए सुविधाएं प्रदान करिए और नहीं करेंगे तो सात साल तक की सजा और जुर्माना लग सकता है मित्रों अगर हम बात करें तो कोई भी जो 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 प्रोसीजर है जो भी जो हमारा कार्य करने का सिस्टम है आ, या कोई भी प्रक्रिया है वो पूरी तरह से त्रुटि रहित या पूरी तरह से आ, 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 वो कारगर हो ऐसा नहीं है हर सिस्टम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व uh, करता है बेहतर बनता है uh, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत हमारी एक बहुत विस्तृत प्रक्रिया है और उसका जो पर्पस है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमेशा प्रिजर्व होनी चाहिए हमारा संविधान भी जब यही कहता है तो बाक़ी जो अधीन उसके कानून बनाए जाते हैं वो इसके परे तो नहीं जा सकते हमें जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करना है और सम्मान करते हुए बैलेंस करना है नियंत्रण करना देखिए मैंने आपको बोला कानून या लॉ का पर्पस ही ये होता है कि विभिन्न चीज़ों को बैलेंस करके चलना आ, मसलन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ होता है उसमें हमें जो इन्वेंटर है जिसने कुछ नया बनाया उसका भी ध्यान रखना है और सोसाइटी का भी ध्यान रखना है सोसाइटी को अगर हम बहुत ज़्यादा इन्वेंटर को प्रोटेक्शन देंगे तो सोसाइटी को नए प्रोडक्ट्स महंगे दाम पे मिलेंगे और अगर हम इन्वेंटर को प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो उसको कोई प्रोत्साहन नहीं है कि वो नए प्रोडक्ट क्यों बनाए वही चीज़ आ, सड़क पे अगर आप चल रहे हैं सड़क पे साइकिल भी चलती है स्कूटर भी चलता है आ, ट्रक भी चलता है पैदल भी चलते हैं लोग और कार भी चलती है बस भी चलती है तो हमें इन सभी तरह के रोड यूजर्स का ध्यान रखना है इनके हितों का ध्यान रखना है, इनके हित परस्पर विरोधी हो सकते हैं उनको हमें बैलेंस करना है सो so, लॉ में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है हमारे संविधान में हमें पार्ट थ्री और पार्ट फोर को बैलेंस करना पड़ता है इसीलिए हम कहते हैं हारमोनियस कंस्ट्रक्शन मित्रों जो यहाँ पे भी वही हमको हारमोनियसली कंस्ट्रक्ट करना है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को और निजता को इंक्रिप्शन का कहीं गलत उपयोग तो नहीं हो रहा वो हमें देखना है संचार की स्वतंत्रता और क्रिप्टोग्राफी का दुरुपयोग अगर राष्ट्र विरोधी या विध्वंसक यानी कि सबवर्सिव एक्टिविटीज़ के लिए हो रहा है तो वो जो है हमें आ, शायद निजता को भंग करना पड़ जाए जैसे कि मैंने कहा आ, आ, अगर आप ड्रग आ, का बिजनेस कर रहे हैं या आप टेररिज्म या प्रोस्टिट्यूशन या आ, इस तरह के गन रनिंग इस तरह के व्यवसाय में सम्मिलित हैं या आप पोर्नोग्राफी के व्यवसाय में सम्मिलित हैं तो शायद निजता को भंग करने की आवश्यकता हो आ, 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 सो जो है राष्ट्र राष्ट्रीय सुरक्षा चाहे भारत हो चाहे अमेरिका होमलैंड सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा आवश्यक है और इसमें जो है अगर इसका और निजता का टकराव होगा तो निजता को, हम कोशिश करेंगे हारमोनियस कंस्ट्रक्शन बट ऐसे टकराव को दूर करने के लिए शायद हमें निजता को भंग करने की आवश्यकता हो कोई भी आ, समाधान जो है हमें मिलेगा ना तो पूर्ण रूप से स्वतंत्रता में है ना बहुत ज्यादा अधिक राज्य नियंत्रण में है हमें बैलेंस बना के चलना है आ, मित्रों कोई भी स्वतंत्रता अगर आपको एंजॉय करनी है तो रूल्स के हिसाब से चलना है कुछ नियंत्रण आवश्यक है आ, नहीं तो जो है अनरूली हॉर्स जैसा मामला हो जाएगा घोड़े की आप नाल पकड़ के चलते हैं अगर आप घुड़सवारी के शौकीन हैं अगर आप छोड़ देंगे तो वो आपको गिरा देगा और आप फिर बहुत गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं आँ... शायद समाधान इंक्रिप्शन की तकनीक में ही निहित हो इस समस्या को हमें दो स्तरों पे देखना होगा मित्रों आ, एक स्तर पे तो जो फ्री स्पीच है यानी कि मुक्त भाषण का अधिकार है आ, उस पर जो इंक्रिप्शन है उसका मुद्दा है क्रिप्टोग्राफी है उसका मुद्दा है और दूसरा और ज़्यादा विकराल जो इशू है वो ये है कि निजता का जो अधिकार है आ, उसका एक अभिन्न अंग है क्रिप्टोग्राफी और ये एक बहुत आ, 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 बड़ा मुद्दा है क्योंकि निजता का जो अधिकार है ये हमारे आ, मौलिक अधिकारों में सम्मिलित हो चुका है क्योंकि मौलिक अधिकारों में सम्मिलित हो चुका है हमें चौदह और उन्नीस और इक्कीस का जो ट्रायंगुलर टेस्ट है मेनका गांधी वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाया गया उसका हमें रिस्पेक्ट करते हुए हमें जो है ना केवल आ, आ, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ बट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का भी ध्यान रखना है यानी कि हमें जो है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का भी पालन करना है और उसी समय हमें यह भी देखना है कि वो प्रक्रिया जो है वो न्याय संगत है वो आर्बिट्ररी या मनमानी तो नहीं है इट शुड बी नॉट वो जो है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में भी आती है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की भी परिधि पूरी करती है और ड्यू प्रोसेस को भी पूरा करती है सो so, आर्बिट्ररी नहीं होनी चाहिए और हमें जो है ये देखना है कि आर्टिकल फोर्टीन नाइनटीन और 21 का जो टेस्ट है ट्रायंगल टेस्ट उसको पूरा करती है सो so, मित्रों ये कुछ आ, हमारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है क्रिप्टोग्राफी के संबंध में निजता के संबंध में और क्योंकि आने वाले विषय में आने वाले समय में ये विषय और भी ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं सो so, आशा करते हैं कि आपको ये हमारा आज का टॉपिक जो है आज की परिचर्चा अच्छी लगी होगी आने वाले आ, समय में हम जो है निजता के बारे में थोड़ी सी और बात करने वाले हैं और आपके समक्ष जल्द ही टॉपिक नंबर आठ लेक्चर नंबर आठ लेकर आएंगे तब तक के लिए देखते रहिए स्वयं प्रभा बहुत बहुत धन्यवाद